तो एक बार इस उम्र में छोटे और बहुत बड़े अरमान अपने दिल में हिंदुस्तान के लिए रखने वाले भाई मधुर का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। तालियां इतनी जोर से बजे लगे आसमान पूरा गुंजायमान हो उठे। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं। श्रद्धे स्वामी जी का मुझे आदेश मिला कि मुझे यहां होना चाहिए, और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर मेरठ के लिए। अंदर जो स्वामी जी के सामने से शुरू हुआ है दिल्ली तक पहुंचेगा, 3 जून को हवा उड़ाएंगे। 4 पंक्तियां सुनिएगा, दिल्ली से आवाज आती है कि कुछ काम नहीं मिलता, वे लोग ऐसे कामों में लग जाते हैं, लेकिन कहीं जमुना प्रसाद उपाध्याय ये कहते हैं कि महाशय याद करिए, बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती, बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती, तो गालों पे नमी आंखों में वीरानी नहीं होती। अरे हमारी बात छोड़ो, हम जहां भी हैं मजे में हैं, तुम्हारा हश क्या होता जो कर प्रधानी नहीं होती, तुम्हारा हश क्या होता जो प्रधानी नहीं होती। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता, लेकिन 4 पंक्तियों से शुरू जरूर कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे आके रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं रास स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। मैं आप लोगों से और कहता हूं, थोड़ा जागृत होइएगा। दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले कहा था कि कहीं तो धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे छाव सिरहाने लगा के बैठ गए। लहू लुहान नजारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। आपकी खामोशी ने यह दृश्य दिखाया है हमें, अगर आप जागृत हो जाएंगे तो शायद परिवर्तन भी होगा। कि अंदर वंदर देहते देहते आंखों से अश्रु बहते बहते, परिस्थिति वही है, थोड़ा सा महसूस करना जो परिवर्तन मैं बताना चाहता हूं। कि अंदर वंदर देहते देहते आंखों से अश्रु बहते बहते, अपने ही घर में गैरों का हर जुल्म सितम सहते सहते। और जो हुआ 1857 की क्रांति के नाम, केवल 2 पंक्तियां सुनना। कि अंदर वंदर देहते देहते आंखों से अश्रु बहते बहते, अपने ही घर में गैरों का हर जुल्म सितम सहते सहते। जो धड़क रहा था बरसों से वो लावा एकदम फूट पड़ा, जो धड़क रहा था बरसों से वो लावा एकदम फूट पड़ा। इस मेरठ से हर देशभक्त उस दिन गोरों पर टूट पड़ा। अब जो स्वामी जी का उद्घोष है, मैं एक गीत छोटा सा पढ़ना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। दिल्ली से बहुत सारे, देखिए मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं, पूरे विश्व में तर्क शक्ति सिखाई जाती है राजनीति में, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कुतर्क शक्ति सिखाई जाती है। अगर हमारा बस जवाब देने का नहीं चल रहा है तो अपन कुतर्क करना शुरू हो जाते हैं। अब स्वामी जी सीधे साधे वो क्या कर चुप हो गए, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं, अब सुनिएगा, निवेदन करता हूं। कि हर दिल में जोश जगाने को ये क्यों है, ये सुन लीजिएगा। हर दिल में जोश जगाने को सोई ये आग जलाने को, हर दिल में जोश जगाने को सोई ये आग जलाने को, फिर जंग शुरू करने निकले काला धन वापस लाने को। अब ये 2 पंक्तियां आपकी तालियां उठाएंगी, जितने लोग सहमत हो दोनों हाथ तालियों के साथ आसमान में गुंजा कर बताना कि स्वामी जी के साथ आप हैं। कि हर दिल में जोश जगाने को सोई ये आग जलाने को, फिर जंग शुरू करने निकले काला धन वापस लाने को। 3 जून सत्ता से आंखें चार करेंगे दिल्ली में, 3 जून सत्ता से आंखें चार करेंगे दिल्ली में, जब भारत मां के बेटे हुंकार भरेंगे दिल्ली में। बोले भारत माता की।
वो ये कहते हैं ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं हम अहिंसा को पूजने वाले लोग हैं, लेकिन आप हमारी भी बात सुनिए कि हर दिल में जोश जगाने को। अब बंद सुनना और एक एक शब्द पकड़ना, एक एक बात जो मैं कहना चाहता हूं। मैं उनसे कहता हूं आपकी तालियां वहां तक पहुंचे कि हर दिल में जोश जगाने को। देश में ना उठे ऐसे बगावत वाले स्वर, देश में ना उठे ऐसे बगावत वाले स्वर, रोकने के हेतु आप काम चंद कीजिए। देश में ना उठे ऐसे बगावत वाले स्वर, रोकने के हेतु आप काम चंद कीजिए। आज हर ओर जिसका है बोलबाला इस भ्रष्टाचार की ये तीव्र गति मंद कीजिए। आज हर ओर जिसका है बोलबाला इस भ्रष्टाचार की ये तीव्र गति मंद कीजिए। रोज रोज नए नए खुलते घोटाले खूब, रोज नए नए रोज रोज नए नए खुलते घोटाले खूब, इन रोकने का कुछ तो प्रबंध कीजिए। और एक लाइन में जो मैं चाहता हूं, अगर सहमत हो तो दोबारा हाथ अगर बताना कि रोज रोज नए नए खुलते घोटाले खूब, इन रोकने का कुछ तो प्रबंध कीजिए। हिम्मत से एक भी कदम ना बढ़ा सके तो फिर फालतू का यह दिखावा बंद कीजिए। क्या बात है। हिम्मत से एक भी कदम ना उठा बढ़ा सके तो फिर फालतू का यह दिखावा बंद कीजिए। और आंदोलन एक बार नहीं 100 बार करेंगे दिल्ली में, आंदोलन एक बार नहीं 100 बार करेंगे दिल्ली में, जब भारत माँ के बेटे हुंकार भरेंगे दिल्ली में। तन मन में जोश जगाने को, सोई ये आग जलाने को, फिर जंग शुरू करने निकले काला धन वापस लाने को। 3 जून सत्ता से आंखें 4 करेंगे दिल्ली में, जब भारत माँ के बेटे हुंकार भरेंगे दिल्ली में। सोई या हर दिल में जोश जगाने को। और अंतिम बंद कहना चाहता हूं, बार बार एक प्रश्न उठता है, स्वामी जी कहते हैं काला धन राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करिए, मेरी समझ में नहीं आता सरकार इतना आत्मबल क्यों नहीं दिखाती। एक बार वो कहे कि हाँ ये हम ये करना चाहते हैं तो हम उन्हें प्रणाम करेंगे। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं स्वामी जी की तरफ से, एक एक लो एक एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बैठे हैं यहां पर, तालियों के साथ मुझे हौसला देना कि हर दिल में जोश जगाने को। और उनसे कहता हूं कि दिखलाओ काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ, दिखलाओ काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ, छेड़ी गई जंग संग मन आपका भी है। एक एक पंक्ति सुनना कि दिखलाओ काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ, छेड़ी गई जंग संग मन आपका भी है। यानी भारत के स्वाभिमान को बचाने हेतु हो रहे जतन को नमन आपका भी है। यानी भारत के स्वाभिमान को बचाने हेतु हो रहे जतन को नमन आपका भी है। सार सिद्धियों से कुछ ऊपर उठो हुजूर, सात सिद्धियों से कुछ ऊपर उठो हुजूर, एहसास करो ये वतन आपका भी है। और एक पंक्ति में हकीकत बयां कर रहा हूं, राष्ट्रपति जितने भी मेरी बात से सहमत हो दोनों हाथ ठाकर मुझे प्यार से विदा करना कि सात सिद्धियों से कुछ ऊपर उठो हुजूर, एहसास करो ये वतन आपका भी है। यदि कोशिश नहीं करोगे फिर मान लेंगे विदेशों में जमा काला धन आपका भी है। यदि कोशिश नहीं करोगे फिर मान लेंगे विदेशों में का जमा काला धन आपका भी है। फूल सेज पर सजे आपके खार करेंगे दिल्ली में, फूल सेज पर सजे आपके खार करेंगे दिल्ली में, जब भारत माँ के बेटे हुंकार भरेंगे दिल्ली में, जब भारत माँ के बेटे हुंकार भरेंगे दिल्ली में। हर दिल में जोश जगाने को, सोई ये आग जलाने को, फिर जंग शुरू करने निकले काला धन वापस लाने को। 3 जून सत्ता से आंखें 4 करेंगे दिल्ली में, जब भारत माँ के बेटे हुंकार भरेंगे दिल्ली में, जब भारत माँ के बेटे हुंकार भरेंगे दिल्ली में। जय हिंद। बहुत बहुत अभिनंदन भाई मरवीर मधुर का। इतनी जोरदार तालियां बजाइए कि तूफान अब थम ही गया जैसे ही मरवीर थमा।